नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नौकरीखबर.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी नई भर्ती फॉर्म 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑफलाइन आवेदन करने के लिए भर्ती के फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं। आप सभी को बता दें कि इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑफलाइन फॉर्म पूरा का पूरा भर के देखने वाले हैं। इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि आप सभी को बताया जाए कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑफलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी केवल 10वीं या 12वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना रहा है अपने गाँव या जिले के अंदर पंचायत के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी के लिए फाइनली 2021 के आखिरी की बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। दोस्तों, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि आवेदन करने की डेट बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुकी है आखिरी डेट, तो आप सभी लोग आखिरी डेट से पहले आवेदन जरूर कर दीजिएगा। अंतिम तिथि क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और कैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप आवेदन कर पाएंगे हिंदी में, इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। इसके अलावा आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो शुरू से लेकर बिना कहीं आगे बढ़ाए स्किप किए पूरी आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा ताकि आपको इस वैकेंसी के बारे में ऑफलाइन आवेदन करने के बारे में सारी जानकारी पता लग सके। तो इस वैकेंसी की कुछ खास बातें आप सभी को बता दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन और फॉर्म की तरफ। तो पहली और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन कैसे करना होगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, फॉर्म आपको देंगे कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे, साथ में अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल के बीच में तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप सभी लोग एलिजिबल हैं, बस आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखें क्योंकि यहाँ पे वेतन भी आपको 30,000 रुपए से भी अधिक देखने को मिलेगा हर महीने का। तो चलिए अभी नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं, देन आपको फिर फॉर्म के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे देख पाएंगे पंचायत शाखा और यहां पे आपको विज्ञापन संख्या भी देखने को मिलेगी। देखिए, ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। इसके अंदर आपको वेतन भी बताया गया स्टार्टिंग का, साथ में अगर बात करें तो लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए आपको फॉर्म भरने हैं। इसके बाद अगर यहीं पे हम बात कर लें कि आपका जो यहाँ पे उम्र रहेगा वो क्या रहेगा, तो अधिकतम जो उम्र है वो 40 वर्ष तक की होनी चाहिए, जो कि 1/1/2021 से काउंट करी जाएगी। इसके बाद यहाँ से अगर आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको और भी ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पेजों का ही नोटिफिकेशन या PDF कहें वो मिलने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आपको आगे मैं आवेदन करने वाले पेज पे लेकर चलता हूँ, जहाँ से आपको पूरी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में मिल जाएगी और कैसे आवेदन करना है उसके बारे में भी आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है, आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना होगा, कहाँ से मिलेगा इसके बारे में आपको आगे जानकारी दे दूंगा। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन पत्र है जो कि A4 साइज पेपर में मुद्रित है, आपको निकलवाना होगा किसी भी ऑनलाइन सेंटर से, वो भी A4 साइज का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखें, सबसे पहले स्व अभिप्रमाणित फोटो चिपकाएं जो 3 माह से अधिक पुरानी ना हो, बिना टोपी एवं चश्मे के दोनों कान स्पष्ट दिखने चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि अपनी खुद की 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हुई फोटो चिपकानी है और फोटो के अंदर आपने कोई चश्मा न लगाया फैशन वाला और टोपी न पहनी हो। इसके बाद यहाँ पे देखे, पहला नंबर जो ऑप्शन है सेवा जिसके लिए आवेदन समर्पित किया जा रहा, यानी कि उस पद का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा जिस पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर है आवेदक का नाम, जहाँ पे आपको हिंदी और अंग्रेजी देखने को मिल जाएगा, दोनों लैंग्वेज में आपको नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पिता या पति का नाम,
इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आरक्षण कोटी, यानी कि अपनी जाति बतानी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देन फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है, आपको यहाँ पे मैट्रिक यानी कि दसवीं पास के प्रमाण पत्र देखने को मिलेगा, जिसके अनुसार आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्मतिथि बतानी होगी। यहाँ पे आपको जन्मतिथि के बाद दिनांक 1/1/2021 से आपकी उम्र कितनी है उसको बताना होगा। देन आपको यहाँ पे पत्राचार का पता यानी कि खुद का एड्रेस लिखना होगा। इसके बाद स्थायी पता, और यहाँ पे आपको राष्ट्रीयता के अंदर जो है तो नागरिकता बतानी है, भारत के रहवासी हैं। इसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है और एक ईमेल आईडी। देन इसके बाद आपको यहाँ पे शैक्षिक योग्यता बतानी है। शैक्षिक योग्यता के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहले आपको यहाँ पे परीक्षा का नाम लिखना होगा। ये लिखने के बाद आपको स्कूल या बोर्ड का नाम लिखना होगा, और इसके बाद आपको परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष भी लिखना होगा। इसके बाद परीक्षा के विषय कितने थे और प्राप्तांक क्या रहा, और टोटल आपका परसेंटेज कितना बना उसको भी बताना होगा। अगर आपके पास अनुभव है उसके बारे में जानकारी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे उम्मीदवार का पहचान चिन्ह क्या है, अगर आपके शरीर में कोई ऐसा चिन्ह है, ऐसा टैटू है, ऐसा जला कटे का निशान है, गिरे का निशान है जो आप लोग बता सकते हैं तो यहाँ पे जरूर बताएं। आवेदक शुल्क भुगतान संबंधी विवरण आपको यहाँ पे दे देने हैं। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कि आवेदन के साथ कुछ प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं, उनकी यहाँ पे लिस्ट आपको ऐड करनी है, 1, 2, 3, 4 कितने आपने लगाए हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं के बाद अपना नाम और घोषित करता हूँ करती हूँ के साथ यहाँ पे आपको आगे बढ़ जाना है, और यहाँ पे आपको आवेदक का हस्ताक्षर लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिनांक और स्थान भी डालना होगा। ये डालने के बाद आप लोग जो है तो इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, इसको एक सफ़ेद व्हाइट कलर के कागज के अंदर पैक करके इसको भेजना होगा। कैसे भेजेंगे आपको आगे इसके बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पंचायत राज की तरफ से आ चुकी नई भर्ती फॉर्म 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑफलाइन आवेदन करने के लिए फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन और फॉर्म आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं, आगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल के ये बताने वाला हूं कि आप लोग इन फॉर्म और नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। आवेदन करने की आखिरी डेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पास आ चुकी है, आपको 31 अक्टूबर 2021 तक का समय दिया गया है आवेदन करने के लिए। अगर आप लोग दसवीं पास है तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं आवेदन करने के लिए। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे बिना किसी इंटरव्यू, और केवल स्किल टेस्ट के आधार पर आप सभी का चयन किया जाना है। अगर बात करें उम्र के बारे में तो आपकी उम्र 18 साल कम से कम और अधिक से अधिक 40 वर्ष की होनी चाहिए। वेतनमान आपको यहाँ पे 30,000 रुपए तक दिया जाएगा। ऐसे भरे फॉर्म आपको मैंने बता दिया, और यहाँ पे जो फॉर्म फीस है उसके बारे में जानकारी आपको आगे दी जाएगी। तो अभी चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और वेबसाइट पर। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल नोटिफिकेशन को भी ध्यान से ऑन कर दें। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए, अप्लाई ऑफलाइन कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग linkworking.org की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसी मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट देखने को मिलेंगी। आप लोग 19 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक आवेदन भी कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल तक की होनी चाहिए। देन अगर बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में तो नोटिफिकेशन में इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएंगी। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, आप लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहां पे आपको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। बात करें कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद वेतन आपको इनके डिपार्टमेंट के रूल के हिसाब से ही दिया जाएगा। एजुकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन 12th और ग्रेजुएट है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कैसे आप लोग आवेदन करेंगे तो आपको RRD की ऑफिशियल वेबसाइट से 31 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर देने हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, तो एग्जाम, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आप सभी का
यहाँ पे चयन होने वाला है। देन आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन, जहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का डाउनलोड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है। आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई से अप्लाई फॉर्म को और डाउनलोड नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेकआउट कर लेना है। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो मिले आपके Q&A सीरीज का यानी कि क्वेश्चन आंसर का, तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है, जितना जल्दी हो सके कम्प्लीट करें और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगली वीडियो की अपडेट भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।